नमस्कार दोस्तों, ये है आहूजा का MP3 रिकॉर्डर। हमारा एक क्लिप, हम जितना प्ले वॉल्यूम खोलेंगे उस हिसाब से हमारा क्लिप करेगा। सेकंड है हमारा रिकॉर्डिंग एंड ऑक्स ऑक्जलरी, जिससे मैनेज होगा। इस यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग लेवल दिख जाएगा, ये हमारा पावर इंडिकेटर दिख जाएगा, आपको मोनो और स्टीरियो दोनों है। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ये है हमारा SD कार्ड के लिए, ये हमारा पेन ड्राइव, ये है मोड, ये हमारा फोल्डर बटन है, ये हमारा रिकॉर्डिंग बटन है। इसको दबा देंगे आप तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। 3 सेकंड के लिए अगर आप इसको पुश करके रखेंगे आपकी रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। ये हमारा सेलेक्टर बटन इसको कह लो, या तो रोटरी बटन है। आपको हम अब हम दिखाते हैं इसके बैक साइड। ये हमारा पावर ऑन ऑफ है, देखो आपकी दिख गई लाइट। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट DC पॉइंट्स मिल जाता है। इस जैक के थ्रू आप बैटरी से इसको रन करा सकते हैं। 0.5 एम्पियर का फ्यूज मिल जाता है। ऑक्जिलरी इनपुट और रिकॉर्डिंग के लिए आपको लेफ्ट एंड राइट चैनल मिल जाता है, जो कि 200 मिली वोल्ट ऑडियो फ्रिक्वेंसी पर रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पर अगर आप बात करें, आउटपुट हमें मोनो राइट एंड मोनो लेफ्ट 200 मिली वोल्ट की आउटपुट ये देता है। ये आपको डिस्प्ले में आहूजा ब्रांड दिख रहा है। अब हम अगर मोड पे जाते हैं, ये है मोड, मोड पे गए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम भाई हमारा USB पे सेलेक्ट है। अगर हम इस रोटरी से यहाँ जाते हैं तो ये रिकॉर्डर प्लेयर सेलेक्ट है। यहाँ पे ब्लूटूथ, ये हमारा ऑक्जिलरी इनपुट सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सेलेक्शन करने के लिए एक इस रोटरी बटन को आपको पुश करना होगा। जब पुश कर देंगे तो आपको ऑक्जिलरी का TRS जैक पिन आपको देखने को मिल जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो सिग्नल्स हैं ऑक्जिलरी पे सेलेक्ट हो रखा है। अब यहाँ पर फोल्डर, यहाँ से जा करके आप बाहर जा सकते हैं। लास्ट आपको मिलता है आपको सेट कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स आपको इसको उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस को, कि आपके डिस्प्ले को कंट्रास्ट कैसे रखना है, कितना रखना है। यहाँ पे आपको वर्जन देखने को मिल जाता है। इसके आगे कुछ नहीं है, फिर से आपको USB पे मिल जाता है। तो ये इसकी फीचर हैं। हम आपको बताते हैं इसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो बहुत ही हमको अच्छी लगी हैं। आपको मैं बता देता हूँ इसके विषय में कि इस पे ब्लूटूथ ऑप्शन है, आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके आप अपने सॉन्ग को प्ले करा सकते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए सेपरेट इस पर इनपुट सेक्शन दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात इस पे ये है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इस डिवाइस में 0 dB से ज़्यादा आएगी तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहाँ की रिकॉर्डिंग को ये कट कर देगा। और आपकी जब बाद में रिकॉर्डिंग सुनोगे अपनी, तो वहाँ पर वो कट कट कर आवाज़ आपको सुनाई देगी। चौथी इस पे ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये DC और AC दोनों चीज़ से ये ऑपरेट होने वाली डिवाइस है।